हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल शेखावाटी लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का ये टॉपिक राजस्थान जीके का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के दक्षिणतम और उत्तरी छोर के मध्य अक्षांशीय विस्तार है। उत्तर और दक्षिण के बीच में अक्षांशीय विस्तार कितना है, वो आपको इसमें बताना है। ऑप्शन देखिए, 7 डिग्री 9 मिनट, 9 डिग्री 7 मिनट, 8 डिग्री 7 मिनट या 60 डिग्री 8 मिनट। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ए, 60 डिग्री 9 मिनट। दक्षिण और उत्तर के मध्य अक्षांशीय विस्तार है 60 डिग्री 9 मिनट। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के पश्चिमी और पूर्वी छोर के मध्य देशांतरीय विस्तार है। पश्चिमी और पूर्वी छोर के मध्य देशांतरीय विस्तार कितना है, वो बताना है। ऑप्शन देखिए, 60 डिग्री 9 मिनट, 9 डिग्री 47 मिनट, 8 डिग्री 47 मिनट यह 7 डिग्री 8 मिनट। दोस्तों, इसका सही उत्तर है सी, 8 डिग्री 47 मिनट। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कितना इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की कुल ग्लोबी स्थिति है, कुल ग्लोबी स्थिति बतानी है आपको। ऑप्शन देखिए, 60 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 8 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर, या 9 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 8 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर, या 7 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 8 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, और या 7 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 8 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ए, 60 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 8 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कितना इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का विस्तार किन देशांतरों के मध्य है, राजस्थान का विस्तार किन देशांतरों के मध्य है। ऑप्शन देखिए, 69 डिग्री 3 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक, या 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक, या 69 डिग्री से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर तक, या 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 77 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है बी, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राजस्थान का विस्तार किन अक्षांशों के मध्य है, राजस्थान का विस्तार किन अक्षांशों के मध्य है। ऑप्शन देखिए, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, या 23 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, या 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिणी अक्षांश तक, या 23 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिणी अक्षांश तक। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ए, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान भारत के किस भाग में अवस्थित है, राजस्थान भारत के किस भाग में अवस्थित है। ऑप्शन है, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व में, उत्तर में या दक्षिण पश्चिम में। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ए, उत्तर पश्चिमी भाग में। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व मानचित्र पर राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार किस गोलार्ध में पाई जाती है। ठीक है, विश्व मानचित्र पर राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार किस गोलार्ध में पाई जाती है। ऑप्शन देखिए, उत्तरी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में या उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है सी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन है, 342,239 वर्ग किलोमीटर, या 132,140 वर्ग किलोमीटर, या 242,239 वर्ग किलोमीटर, या 332,239 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ए, 342,239 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कई बार एग्जाम में बहुत भ्रमित हो जाते हैं। एग्जाम में राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में नहीं पूछ करके वर्ग मील में पूछ लिया जाता है, और वहीं पर हम गड़बड़ हो जाते हैं। तो देखिए, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना वर्ग मील है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, 342,239 वर्ग मील, या 132,140 वर्ग मील, या 242,239 वर्ग मील, या 332,239 वर्ग मील। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है बी, 132,140 वर्ग मील। अगला क्वेश्चन देखिए,
राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। ऑप्शन देखिए, 10.41%, 11.41%, 9.11% या 10.11%। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए, 10.41%। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की आकृति है, राजस्थान की आकृति किस प्रकार की है भौगोलिक दृष्टि से? ऑप्शन है विषम कोणीय, समकोणीय, त्रिकोणीय या इनमें से कोई नहीं। तो पहला जो इसका उत्तर है विषम कोणीय, ये सही है दोस्तों। ऑप्शन में जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अपने को उत्तर बताना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कितना इंपॉर्टेंट है, राजस्थान किस देशांतर रेखा के पूर्व में स्थित है? किस देशांतर रेखा के पूर्व में स्थित राजस्थान? ऑप्शन है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, या 23 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, या 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, या 30 डिग्री 12 मिनट पूर्वी देशांतर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए, पहला स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में पहला स्थान है। अब देखिए दोस्तों, संसार के मानचित्र पर राजस्थान की उत्तरी अथवा पूर्वी गोलार्ध में जो अवस्थिति है उसको आप समझ सकते हैं। आपको इसमें क्या समझना है, देखिए आप सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये ग्लोब जो है इसको ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण की तरफ जो बीचों बीच रेखा विभाजित कर रही है इसका नाम है प्रधान देशांतर रेखा, प्रमुख देशांतर रेखा, या इसी को बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के बाईं साइड में, आपके बाईं साइड में क्या है, ये तो कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध, और आपकी दाईं साइड का जो पूरा भाग है ये कहलाता है पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो आपके बाएं से दाएं की तरफ यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजर रही है इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। लिखा हुआ ना आपके बाएं साइड में 0 डिग्री भूमध्य रेखा है ना, तो ये जो भूमध्य रेखा है इस भूमध्य रेखा के ऊपर में उत्तर की तरफ जो है इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और नीचे की तरफ यानी दक्षिणी की तरफ है इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। आपके बाएं साइड, आपके दाएं हाथ की तरफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब राजस्थान भारत के अंदर स्थित है, भारत कहाँ पर स्थित है देखिए, प्रधान देशांतर रेखा के तो है आपके दाएं साइड में यानी पूर्व की तरफ, इसलिए हो गया पूर्वी गोलार्ध में। फिर भूमध्य रेखा के है उत्तर में, तो इसलिए हो गया ये किसमें, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो राजस्थान भी यहीं स्थित है भारत के अंदर, इसलिए राजस्थान किस गोलार्ध में आ गया, पूर्वी गोलार्ध में भी आ गया और उत्तरी गोलार्ध में भी आ गया, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। दोस्तों थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको और बता देता हूँ कि ये जो प्रमुख मध्यान्ह रेखा है जो उत्तर से दक्षिण को के की ओर है ना, बीचों बीच ग्लोब को विभाजित कर रही है, ये है प्रमुख मध्यान्ह रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो ये क्या है देखिए इसके बारे में कि ब्रिटेन की राजधानी लंदन के निकट स्थित ग्रीनविच उपनगर, जहाँ बहुत बड़ी वेधशाला है, में से गुजरने वाली मध्यान्ह रेखा को प्रमुख मध्यान्ह रेखा कहते हैं। इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं। प्रमुख मध्यान्ह रेखा के समय को ही ग्रीनविच समय कहते हैं, प्रमुख मध्यान्ह रेखा के समय को ही ग्रीनविच समय कहते हैं, और भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे अधिक है। अब देखिए क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार कितने किलोमीटर लंबा है? राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार कितने किलोमीटर है? ऑप्शन है 826 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, 862 किलोमीटर या 896 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए, 826 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का पूर्व पश्चिमी विस्तार कितना है? राजस्थान का पूर्व पश्चिमी विस्तार कितना है? ऑप्शन है 826 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, 862 किलोमीटर या 896 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी, 869 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कितना शानदार है, एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामों में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए, राजस्थान के उत्तरी छोर पर स्थित गांव है, राजस्थान के उत्तरी छोर पर स्थित गांव है, ऑप्शन है बोरकुंड गांव, बांसवाड़ा, कोणा गांव, गंगानगर, कटरा गांव, जैसलमेर,
या सिलान गांव धौलपुर? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी, कोणा गांव गंगानगर। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के पश्चिमी छोर पर स्थित गांव, राजस्थान के पश्चिमी छोर पर स्थित गांव, ऑप्शन है बोरकुंड गांव बांसवाड़ा, कोणा गांव गंगानगर, कटरा गांव जैसलमेर या सिलान गांव धौलपुर। दोस्तों इसका सही उत्तर है सी, कटरा गांव जैसलमेर। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है, ऑप्शन है बांसवाड़ा, गंगानगर, जैसलमेर या धौलपुर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है धौलपुर, धौलपुर जिला राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला है, राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला है, ऑप्शन देखिए बांसवाड़ा, गंगानगर, जैसलमेर या धौलपुर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा राजस्थान के किस जिले को स्पर्श करती है? ऑप्शन देखिए बांसवाड़ा, गंगानगर, जैसलमेर या धौलपुर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए, बांसवाड़ा। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा जिले को स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 30 डिग्री 12 मिनट 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा राजस्थान के किस जिले को स्पर्श करती है? ऑप्शन देखिए बांसवाड़ा, गंगानगर, जैसलमेर या धौलपुर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी, गंगानगर। अगला क्वेश्चन देखिए, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान के किस जिले को स्पर्श करती है? उत्तर देखिए बांसवाड़ा, गंगानगर, जैसलमेर या धौलपुर। दोस्तों इसका सही उत्तर है सी, जैसलमेर। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा जैसलमेर जिले को स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान के किस जिले को स्पर्श करती है? ऑप्शन देखिए बांसवाड़ा, गंगानगर, जैसलमेर या धौलपुर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डी, धौलपुर। दोस्तों 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान के धौलपुर जिले को स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले के लगभग मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से लगभग मध्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन है बांसवाड़ा, गंगानगर, जैसलमेर या धौलपुर। दोस्तों इसका सही उत्तर है ए, बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कितना एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों को स्पर्श करती है? कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों को स्पर्श करती है? ऑप्शन देखिए बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या बांसवाड़ा प्रतापगढ़। दोस्तों इसका सही उत्तर है सी, डूंगरपुर बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, कर्क रेखा के सर्वाधिक नज़दीक स्थित शहर है, कर्क रेखा के सर्वाधिक नज़दीक स्थित शहर है, ऑप्शन है गंगानगर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर या बांसवाड़ा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डी, बांसवाड़ा शहर जो है वो कर्क रेखा के सर्वाधिक नज़दीक स्थित शहर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित शहर है, कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित शहर है, ऑप्शन है गंगानगर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर या बांसवाड़ा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए, गंगानगर। गंगानगर जो शहर है वो कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित शहर है। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें पड़ती हैं, राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें कहाँ पर पड़ती हैं? देखिए गंगानगर पर, प्रतापगढ़ पर, डूंगरपुर पर या बांसवाड़ा पर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डी, बांसवाड़ा पर। राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें बांसवाड़ा पर पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती हैं, सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें कहाँ पर पड़ती हैं? ऑप्शन देखिए गंगानगर पर, प्रतापगढ़ पर, डूंगरपुर पर या बांसवाड़ा पर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए, गंगानगर पर। राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें गंगानगर पर पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कितना इम्पोर्टेंट है, राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय होता है, राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है? देखिए कोणा गांव में, बोरकुंड गांव में, कटरा गांव में या सिलान गांव में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डी, सिलान गांव धौलपुर में। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सबसे अंत में सूर्योदय होता है, राजस्थान में
सबसे अंत में यानी सबके बाद में सूर्योदय कहाँ पर होता है? ऑप्शन देखिए, कोणागाम में, बोरकुंड गाम में, कटरा गाम में या सिलान गाम में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कटरा गाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सबसे पहले सूर्यास्त होता है, राजस्थान में सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होता है? ऑप्शन देखिए, कोणागाम में, बोरकुंड गाम में, कटरा गाम में या सिलान गाम में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डी, सिलान गांव में। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सबसे अंत में सूर्यास्त होता है, राजस्थान में सबसे अंत में सूर्यास्त कहाँ पर होता है? ऑप्शन देखिए, कोणा गांव में, बोरकुंड गांव में, कटरा गांव में या सिलान गांव में। दोस्तों इसका सही उत्तर है सी, कटरा गांव में। अब देखिए दोस्तों, राजस्थान का जो विस्तार है उसके बारे में पूरी डिटेल से मैंने जानकारी प्रदान की है, आराम से आप इसको देख करके और याद कर सकते हैं। देखिए, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 826 किलोमीटर है, याद रखना, उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 826 किलोमीटर है। वह विस्तार कोणागाम श्री गंगानगर से दक्षिण में बोरकुंड गांव बांसवाड़ा तक है। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कोणागाम श्री गंगानगर से और दक्षिण में बोरकुंड गांव बांसवाड़ा तक है। फिर राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई 869 किलोमीटर है, याद रखना, पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई कितनी है? 869 किलोमीटर। तथा विस्तार पश्चिम में कटरा गांव जैसलमेर से पूर्व में सिलान गांव धौलपुर तक है। राजस्थान का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? कटरा गांव जैसलमेर से सिलान गांव धौलपुर तक। फिर देखिए, राजस्थान का उत्तरी बिंदु, ठीक है, उत्तरी बिंदु श्री गंगानगर जिले का कोणा गांव है, जो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, याद रखना। तथा दक्षिणी बिंदु बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील का बोरकुंड गांव है, जो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अब देख लो दोस्तों, कितने क्वेश्चन इसके अंदर आपके तैयार हो गए। फिर देखिए, कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर जिले की दक्षिणी सीमा को छूती हुई बांसवाड़ा के लगभग मध्य से गुजरती है, याद रखना। कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर जिले की दक्षिणी सीमा को छूती हुई बांसवाड़ा के लगभग मध्य से गुजरती है, अर्थात कर्क रेखा राजस्थान के दो जिलों डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है, ठीक है। बांसवाड़ा शहर कर्क रेखा से सर्वाधिक नजदीक स्थित शहर है, याद रखना, कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक स्थित शहर है बांसवाड़ा, जबकि श्री गंगानगर शहर कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित शहर है। फिर राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें बांसवाड़ा पर पड़ती हैं और सर्वाधिक तिरछी किरणें गंगानगर पर पड़ती हैं, याद रखना दोस्तों, सर्वाधिक सीधी किरणें तो पड़ती है बांसवाड़ा पर और सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती हैं गंगानगर पर, क्योंकि गंगानगर जो है वो कर्क रेखा से भूमध्य रेखा से सुदूर स्थित है। फिर देखिए, राजस्थान का पश्चिमी बिंदु जैसलमेर जिले की तहसील का कटरा गांव है, ठीक है, जैसलमेर जिले का जो कटरा गांव है वो राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु है, जो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है, याद रखना। फिर राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु धौलपुर जिले की राजाखेड़ा तहसील का सिलान गांव है, जो 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो क्या है? सिलान गांव है, और वो कितनी पूर्वी देशांतर पर है? 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर है और वो धौलपुर जिले में स्थित है, ठीक है। फिर राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय सिलान गांव धौलपुर में होता है, धौलपुर पूर्व की तरफ है, तो राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होगा? सिलान गांव धौलपुर में, और सूर्यास्त भी सबसे पहले यहीं पर होता है, ठीक है। फिर राजस्थान में सूर्योदय सबसे पहले कटरा गांव जैसलमेर में होता है, राजस्थान में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? कटरा गांव जैसलमेर में, और सूर्यास्त भी सबसे बाद में यहीं पर होता है, सूर्यास्त सबसे बाद में कहाँ पर होता है? कटरा गांव जैसलमेर में। अब देखिए दोस्तों, राजस्थान का मानचित्र मैंने दिया है, इस मानचित्र की सहायता से आप उन प्रश्नों को और भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि राजस्थान का सबसे ऊपर उत्तर की तरफ जो अंतिम गांव है वो लिखा हुआ है कोणागाम श्री गंगानगर, और नीचे आ जाइए दक्षिण की तरफ सबसे अंतिम जो गांव है वो है बोरकुंड गांव, अगर जिला पूछा जाएगा तो जिला आ जाएगा बांसवाड़ा, ठीक है। फिर आइए आपके बाएं साइड में, ठीक है, पश्चिम की तरफ, पश्चिम में अगर ऐसे पूछा जाता है कि राजस्थान का सबसे अंतिम पश्चिम में स्थित सबसे अंतिम गांव है तो आ जाएगा कटरा गांव,
और कहाँ पर है, किस ज़िले में, जैसलमेर में, और ज़िला पूछा जाएगा तो आ जाएगा जैसलमेर। फिर दक्षिण पूर्व की तरफ जो अंतिम गांव है वो है सिलान गांव, और ज़िला पूछा जाएगा तो आ जाएगा धौलपुर। ठीक है, अब राजस्थान का जो विस्तार है वो कोणा गांव श्री गंगानगर से लेकर बोरकुंड गांव बांसवाड़ा तक, ये तो हो गया उत्तर में, जिसकी लंबाई कितनी होगी 826 किलोमीटर। ठीक है, और राजस्थान की अगर चौड़ाई पूछी जाए पश्चिम से पूर्व की तरफ, तो कटरा गांव जैसलमेर से लेकर के और पूर्व की तरफ सिलान गांव धौलपुर आ गया, इसकी चौड़ाई होगी 869 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए अपन बात करते हैं उत्तरी अक्षांश, सॉरी पूर्वी देशांतरों की। तो देखिए 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश लिखा हुआ आपके दाएं साइड में, ये तो हो गया उत्तरी अक्षांश राजस्थान का। और फिर बात करें पूर्वी देशांतर की, तो पूर्वी देशांतर देखिए 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ये राजस्थान का पूर्वी देशांतर का विस्तार हो गया। तो अक्षांश और देशांतर का जो विस्तार है उसको भी आप इसके माध्यम से याद कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन, राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है, राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, 4,850 किलोमीटर, 5,920 किलोमीटर, या 1,017 किलोमीटर, या 5,290 किलोमीटर। दोस्तों इसका सही उत्तर है बी, 5,920 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है, ऑप्शन देखिए 3, 4, 5 या 7। दोस्तों इसका सही उत्तर है सी 5, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा भारत के 5 राज्यों को स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान से सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, राजस्थान से सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या गुजरात। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान से सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, राजस्थान से सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, ऑप्शन देखिए हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश या गुजरात। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी, पंजाब। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के उत्तर में अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित राज्य है, राजस्थान के उत्तर में अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित राज्य कौन सा है, ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश या गुजरात। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी, पंजाब। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के उत्तर पूर्व में अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित राज्य है, राजस्थान के उत्तर पूर्व में अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित राज्य है, ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या गुजरात। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए, हरियाणा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के पूर्व में अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित राज्य है, राजस्थान के पूर्व में अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित राज्य है, ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के दक्षिण पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राज्य है, राजस्थान के दक्षिण पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राज्य कौन सा, ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश। दोस्तों इसका सही उत्तर है डी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के दक्षिण में अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित राज्य है, राजस्थान के दक्षिण में अंतर्राज्यीय सीमा पर कौन सा राज्य स्थित है, ऑप्शन है हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश और गुजरात या मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी, गुजरात। अब देखिए दोस्तों, मैंने पूरी डिटेल से इसके बारे में जानकारी प्रदान की है। दोस्तों मैं ये जो वीडियो बनाता हूँ वो कई सारी तो गाइडों की सहायता लेता हूँ, कई बुक्स की सहायता लेता हूँ, आप किसी भी एक गाइड में या एक बुक में ये मेरा पूरा मैटर जो है वो नहीं देख सकते, इसलिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, तो आपको भी मेरी मदद करनी चाहिए। वीडियो को अगर आप शेयर नहीं करोगे तो फिर मेरी मेहनत का इतना फ़ायदा नहीं हो पाएगा, बाकी विद्यार्थियों को भी उसका लाभ नहीं मिल पाएगा, इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब देखिए, राजस्थान की स्थलीय सीमा, देखिए राजस्थान की कोई जलीय सीमा नहीं लगती है, याद रखना राजस्थान की कोई जलीय सीमा नहीं लगती है। फिर राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 5,920 किलोमीटर है, राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, 5,920 किलोमीटर,
जिसमें से अंतर्राज्यीय सीमा होगी 4,850 किलोमीटर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा होगी 1,070 किलोमीटर। फिर राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा पर भारत के 5 राज्य स्थित हैं। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा पर भारत के 5 राज्य स्थित हैं, कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। अब इनकी कितने कितने किलोमीटर जो सीमा है वो राजस्थान से लगती है, तो पंजाब की सबसे कम लगती है 89 किलोमीटर, ठीक है, और मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा लगती है 1600 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद में हरियाणा की 1262 किलोमीटर सीमा राजस्थान को टच करती है, उत्तर प्रदेश की 877 किलोमीटर सीमा राजस्थान को स्पर्श करती है और गुजरात की 1022 किलोमीटर सीमा राजस्थान को स्पर्श करती है। तो कितनी बढ़िया जानकारी इसमें मैंने आपको दी है। अब देखिए दोस्तों और डिटेल देखिए आप, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा 4,850 किलोमीटर है, ठीक है, अंतर्राज्यीय सीमा 4,850 किलोमीटर है। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा भारत के 5 राज्यों से लगती है, 5 राज्यों से लगती है। देखिए घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की स्थिति में क्रमशः पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात आदि 5 राज्यों से राजस्थान की सीमा लगती है, ठीक है। अब देखिए राजस्थान के उत्तर में कौन सा राज्य है? पंजाब। फिर उत्तर पूर्व, दोस्तों ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, देखो पूर्व हरियाणा के साथ जुड़ गया, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना इसको। उत्तर पूर्व, इसके अंदर कौन सा राज्य स्थित है? हरियाणा। फिर पूर्व दिशा में, राजस्थान के पूर्व में कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। फिर दक्षिण पूर्व में कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। और दक्षिण में कौन सा राज्य है? गुजरात। तो दोस्तों इनमें से एग्जाम के अंदर से कहीं से भी प्रश्न आ जाता है और प्रश्न आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरह याद करें। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने किलोमीटर लंबी है? ऑप्शन देखिए 4,850 किलोमीटर, 5,920 किलोमीटर, 1,070 किलोमीटर या 1,017 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सी, 1,070 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है डूरंड रेखा, रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा या LOC। दोस्तों इसका सही उत्तर है बी, रेड क्लिफ रेखा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले स्थित हैं? राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले स्थित हैं? ऑप्शन देखिए 2, 4, 3 या 5। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी, 4। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों के नाम, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों के नाम है, देखिए गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर व सिरोही। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर व जोधपुर। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर व बाड़मेर। सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर व गंगानगर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सी, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर व बाड़मेर। अगला क्वेश्चन भी बहुत शानदार है दोस्तों, देखिए राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों और उनकी लंबाई में के बारे में कौन सा कथन गलत है? राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर जो जिले स्थित है 4, उनकी लंबाई दी गई है, तो आपको इनमें से ये बताना है कि कौन सा गलत है, कौन से की लंबाई गलत दी हुई है, ठीक है। पहला देखिए गंगानगर 210 किलोमीटर, तो दोस्तों ये सही है। फिर आइए बीकानेर 168 किलोमीटर, ये भी बिल्कुल सही है। फिर जैसलमेर 464 किलोमीटर, ये भी सही है। फिर बाड़मेर 226 किलोमीटर, दोस्तों ये गलत है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा डी, यानी बाड़मेर की लंबाई 226 किलोमीटर नहीं है बल्कि इसकी लंबाई है 228 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, राजस्थान का कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा जिला बनाता है पाकिस्तान के साथ में? ऑप्शन देखिए गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर या बाड़मेर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सी, जैसलमेर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कितना शानदार है, राजस्थान का कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला कौन सा जिला है राजस्थान का पाकिस्तान के साथ? ऑप्शन है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर या बाड़मेर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी, बीकानेर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर है? ऑप्शन है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। दोस्तों इसका सही उत्तर है
ए गंगानगर। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक दूर स्थित शहर है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक दूर स्थित शहर है। ऑप्शन देखिए, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर या बाड़मेर। दोस्तों इसका सही उत्तर है बी, बीकानेर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कितना शानदार है ये, RAS में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का आरोही क्रम बताइए। सबसे पहले तो आरोही क्रम क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में दो प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, आरोही क्रम, अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, ठीक है, जैसे 2, 4, 6, 8। और अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में, मतलब जैसे 8, 6, 4, 2, ये हो गया अवरोही क्रम। तो आपको क्या बताना है, आरोही क्रम बताना है, मतलब बढ़ते क्रम में बताना है। तो ऑप्शन देखिए, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर या बीकानेर। फिर बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर। फिर जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर। फिर जैसलमेर, गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बी, बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर। देखो सबसे कम जो बॉर्डर है किसका है, बीकानेर का, फिर उससे ज़्यादा गंगानगर का, फिर उससे ज़्यादा बाड़मेर का, और उससे ज़्यादा जैसलमेर का, ठीक है। अब देखिए इसी से जुड़ा हुआ दूसरा क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का अवरोही क्रम बताइए, ठीक है, घटते क्रम में, ठीक है। ऑप्शन देखिए, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, या बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, या जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर, या जैसलमेर, गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर। तो दोस्तों आपको घटते क्रम में बताना है। तो सबसे ज़्यादा जो किलोमीटर है किस जिले का, जैसलमेर का 464, तो पहले आ गया जैसलमेर। फिर आ जाएगा बाड़मेर जिसका 228 किलोमीटर है, तो बीकानेर के बाद, जैसलमेर के बाद में आ जाएगा बाड़मेर। फिर श्री गंगानगर का 210 किलोमीटर है, तो फिर आ जाएगा गंगानगर। और फिर बीकानेर का 168 किलोमीटर है, तो उसके सबसे अंत में आ जाएगा बीकानेर। तो इसका सही उत्तर होगा सी। अब देखिए दोस्तों, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की पूरी डिटेल मैंने आपके सामने बताई है, आप इनको आराम से अच्छी तरह याद करो, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरुआत करते हैं। राजस्थान की पश्चिमी स्थलीय सीमा पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, जिसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है, रेड क्लिफ रेखा से, रेड क्लिफ रेखा के नाम से। और किसके साथ है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, पाकिस्तान के साथ है, ठीक है ना। फिर राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है, याद रखना अच्छी तरह। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, 1070 किलोमीटर, जो राजस्थान के उत्तर में श्री गंगानगर के हिंदुमल कोट से लेकर दक्षिण में बाड़मेर के बाखासर शाहगढ़ तक जाती है। दोस्तों एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों ये। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है उत्तर में हिंदुमल कोट से और फिर दक्षिण में कहाँ तक है, बाखासर शाहगढ़ तक है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 4 जिले स्थित हैं, कितने जिले हैं, 4 जिले, कौन कौन से हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना अच्छी तरह। अब देखिए इसके बाद में, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के चारों जिलों की लंबाई का आरोही क्रम इस प्रकार है। आरोही क्रम का मतलब घटते क्रम में, तो घटते क्रम में मैंने लिखा है जिले, 4 जिले हैं। बीकानेर जो है इसकी सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है 168 किलोमीटर, उससे ज़्यादा लगती है श्री गंगानगर की 210 किलोमीटर, उससे ज़्यादा लगती है बाड़मेर की 228 किलोमीटर, और सबसे ज़्यादा लगती है जैसलमेर की 464 किलोमीटर। तो इसके आधार पर आप बता सकते हैं कि राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित चारों जिले जो है उनका आरोही क्रम किस प्रकार का है, अवरोही क्रम किस प्रकार का है, ठीक है। अवरोही क्रम का मतलब घटते क्रम में, कि पहले जैसलमेर, फिर बाड़मेर, फिर गंगानगर और फिर बीकानेर, ठीक है। और आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में, मतलब बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, इस प्रकार से, ठीक है। तो सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी है, बीकानेर की 168 किलोमीटर, और सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस जिले की है, जैसलमेर की 464 किलोमीटर। फिर जैसलमेर पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तथा बीकानेर सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, याद रखना चित्र है। सीमावर्ती 4 जिलों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट शहर श्री गंगानगर है और सर्वाधिक दूर शहर बीकानेर है। याद रखना कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नज़दीक शहर कौन सा है,
गंगानगर, और सबसे दूर स्थित शहर कौन सा है? बीकानेर। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, इसमें बहुत मेहनत लगती है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और बाकी विद्यार्थियों को भी इसका फ़ायदा मिल सके।